दोस्तों सेंट्रल बैंक के एटीएम कार्ड का आप एटीएम पिन कैसे जनरेट कीजिएगा? अगर आपके पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का न्यू एटीएम कार्ड मिला हुआ है या फिर आप इसका पिन भूल चुके हैं, आप एक न्यू एटीएम पिन जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं विजिट नहीं करना होगा, आप घर बैठे अपने एटीएम पिन बना सकते हैं। तो सेम सवाल किसी बैंक के कमेंट बॉक्स में पूछा हुआ है, बोल रहा है कि सीबीआई वर्चुअल कार्ड पिन बना के दिखाइए। अर्थात इससे पहले हम एक वीडियो बनाए हुए थे कि आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम कार्ड ऑनलाइन कैसे अप्लाई करके ले सकते हैं। तो उसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ रहा है कि सीबीआई वर्चुअल डेबिट कार्ड, अर्थात जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का डिजिटल एटीएम कार्ड है, ये जो मेरे हैंड में आप देख पाओगे ये फिजिकल एटीएम कार्ड है, डिजिटल एटीएम कार्ड का पिन कैसे बना सकते हैं? आपके पास चाहे डिजिटल एटीएम कार्ड हो या फिर फिजिकल एटीएम कार्ड हो, आप दोनों का एटीएम पिन घर बैठे बना सकते हैं। आपको कहीं विजिट नहीं करना पड़ेगा, आप घर बैठे अपने एटीएम कार्ड का न्यू एटीएम पिन बना सकते हैं। अगर पहले से बना हुआ था आप उसको भूल चुके हैं या फिर आप चेंज करना चाहते आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं विजिट नहीं करना पड़ेगा। तो कैसे आपने एटीएम पिन बनाइएगा, चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बना करके बता देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल मोबाइल ऐप है कैट मोबाइल, आपको डाउनलोड करके ओपन करना होगा। इससे पहले आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन कैसे कीजिएगा ऑलरेडी हम डिटेल पूर्वक वीडियो कर दिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एम पिन डाल करके आपको लॉग इन कर लेना होगा। जब आप लॉग इन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको देखिए डिस्प्ले मिल जाएगा, आप स्पष्ट पे रीड कर सकते हैं। उसके बाद अपने एटीएम कार्ड का पिन सेट करने के लिए आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। जब आप नीचे आते हैं इसमें देखिए आपको ऑप्शन मिलता है डेबिट कार्ड का, आपको इसी के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे डेबिट कार्ड के ऊपर क्लिक करते हैं देखिए आपको ऑप्शन मिलता है ग्रीन पिन जनरेशन का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। अगर आपके पास इस रूप से फिजिकल एटीएम कार्ड है तो इसका आपको कुछ डिटेल फिलअप करना होगा। अगर आपके पास फिजिकल एटीएम कार्ड नहीं है, डिजिटल एटीएम कार्ड अर्थात वर्चुअल एटीएम कार्ड है, तो इसके लिए पहले आपको अपने वर्चुअल कार्ड का कुछ डिटेल फिलअप करना होगा। क्या डिटेल फिलअप करना होगा चलिए आपको बताते हैं। जब आप इस ग्रीन पिन के ऊपर क्लिक कर देते कि आपको क्या क्या डिटेल मांग रहा है, देखिए पहले मांग रहा है एटीएम कार्ड का नंबर आपको डालना पड़ेगा जो 16 डिजिट का नंबर होता है। उसके बाद सीसीबी नंबर बोल रहा है, उसके बाद देखिए बोल रहा है एक्सपायरी मंथ और एक्सपायरी ईयर। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल रहा है एटीएम पिन बनाने का, तो ये डिटेल पहले आपको निकालना होगा। आपके पास वर्चुअल अर्थात डिजिटल कार्ड है तो निकालने के लिए आपको बैक आना होगा। बैक आते आपको ऑप्शन मिलता है देखिए वर्चुअल कार्ड का, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपको इसमें देखिए तीन ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर वर्चुअल कार्ड। अगर आप फर्स्ट टाइम लॉग इन किया है तो आपको पहले अप्लाई करना होगा। अप्लाई कैसे कीजिएगा ऑलरेडी हम वीडियो कर दिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद एक्टिवेट करना होता है, जब आप अप्लाई करते हैं आपका एटीएम कार्ड मिल जाता है, उसके बाद उसको एक्टिवेट करना होता है। जब आप एक्टिवेट भी कर लेते हैं फिर आप अपने एटीएम कार्ड को मैनेज कर सकते हैं, अर्थात उसका डिटेल्स चेक कर सकते हैं। डिटेल चेक करने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना, जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपका देखिए एटीएम कार्ड का जो नंबर रहेगा यहाँ पे शो होगा, उसके बाद के सीसीबी नंबर यहाँ पे शो होगा, एक्सपायरी डेट यहाँ पे शो होगा। इसको चेक करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा आई का, आई के आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं आपको अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालना होगा। ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है ओटीपी का, आपके नंबर पे ओटीपी आता है आपको अपना ओटीपी डाल देना होगा। उसके बाद आपको वैलिडेट के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका एटीएम कार्ड का जो डिटेल रखा है पूरा डिटेल शो हो जाएगा। आप देख पाएंगे एटीएम कार्ड का नंबर शो गया, उसके जो एक्सपायरी मंथ है एक्सपायरी ईयर है वो डिटेल यहाँ पे शो गया, उसके बाद सीसीबी नंबर भी शो गया। इसको ना आपको कहीं पे लिख करके रख लेना होगा अपने एक कॉपी पे नोटपैड पे, क्योंकि देखिए एटीएम पिन बनाने के दरमियान आपको ये डिटेल वहाँ पे डालना पड़ेगा जहाँ से कि आप अपना एटीएम पिन जनरेट कर सकते हैं। चलिए हम इसको ऑलरेडी लिख करके रखे हुए उसमें डाल करके आपको दिखा देते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पाओगे हम अपने एटीएम कार्ड का डिटेल डाल दिए, उसके बाद सीसीबी नंबर डाल दिए, एक्सपायरी मंथ को सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद एक्सपायरी ईयर को भी सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद ऑप्शन मिला देखिए एटीएम कार्ड पिन, जो भी आपने कार्ड का पिन रखना चाहते हैं आपको अपना पिन बना लेना होगा। अगर आपके पास डिजिटल एटीएम कार्ड नहीं है, आप फिजिकल एटीएम कार्ड का पिन बनाना चाह रहे हैं, देखिए आपको जो ये एटीएम कार्ड का डिटेल्स हो रहा है ये 16 डिजिट का नंबर, आपको ये नंबर डालना होगा। उसके बाद ये जो आपको वैलिडेट नंबर हो रहा है ये वैलिडेट नंबर डालना होगा। उसके बाद आपको बैक साइड में देखिए सीसीबी नंबर भी शो होगा, आपको यही सीसीबी नंबर डालना होगा। इस वाले बॉक्स में देखिए आपको यहाँ पे डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। हम अपना डिटेल डाल दिए, उसके बाद जो भी पिन रखना चाहिएगा आप अपना पिन डाल लीजिएगा। हम अपना पिन देखिए बना लिए, उसके बाद कन्फर्म में दोबारा से डाल देंगे। उसके बाद नीचे हम देखिए बोल रहा है ट्रांजेक्शन पासवर्ड, तो अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल लेंगे। उसके बाद देखिए आपका एटीएम पिन सक्सेसफुल जाएगा, आपको कुछ इस प्रकार से मैसेज आएगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी मैसेज आ जाएगा। देखिए बोल रहा है ग्रीन पिन सेट सक्सेसफुल, कहते हैं आप इस प्रकार से अपना एटीएम पिन घर बैठे बना सकते हैं, चाहे आप वर्चुअल कार्ड का पिन बना रहे हैं या फिर आपको जो ऑप्शन मिल रहा है फिजिकल कार्ड का आप उसका पिन बना रहे हैं, आप यहाँ से अपना सक्सेसफुल एटीएम पिन बना सकते हैं कुछ इस प्रकार से।
तो जैसा कि अभी आपने देखा, आप इस प्रकार से सेंट्रल बैंक के ऑफिशियल मोबाइल ऐप कैट मोबाइल से आप अपना एटीएम पिन जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं विजिट नहीं करना पड़ेगा। आई होप कि आपको यह जानकारी पसंद होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।